वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट स्टडी बेस्ट प्लेटफॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट स्टडी चैनल पर। इस वीडियो में हम कवर करेंगे 22 जनवरी 2021 का करंट अफेयर, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं टीचर वैकेंसी के लिए, UPSSC, PET, SSC, रेलवे, बैंक और भी अदर बैंकिंग एग्जाम और सभी एग्जाम के लिए। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर देकर के अवश्य जाया करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करें। अगर आप SBI मेन्स एंड क्लर्क एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है बढ़िया मॉक टेस्ट SBI मेंस और क्लर्क एग्जाम की तैयारी के लिए। आज सुबह 10 बजे से PYQ टेस्ट शुरू होता है। इसे अनलॉक करने के लिए यूज करिए मेरा अनलॉक कोड ऑनलाइन अड्डा। इसमें आपको मिलेंगे डेडिकेट डाउट सेशन भी, साथ ही निमिषा बंसल, अंकुश लांबा और भी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स, साथ ही T20 टेस्ट सीरीज में परफेक्शन सीरीज इंग्लिश के लिए और साथ ही रीजनिंग टेस्ट सीरीज के लिए अभी एनरोल कर लीजिए, जो स्टार्ट हो रहा है 16 जनवरी से। ज्यादा जानकारी के लिए लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, तो जल्दी से लिंक पर क्लिक करें और एनरोल करें। याद रखें ये टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री है और साथ में डाउट सेशन भी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से, तो मिस मत करिए, अभी एनरोल करिए, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे पूछा गया है विश्व हिंदी दिवस तो 10 जनवरी हो जाता है, अगर आपसे राष्ट्रीय पूछा जाता है तो 14 सितंबर आप सभी को याद रखना है। इतनी जानकारी आप सभी के लिए काफ़ी है, नीचे आप लोगों के सामने इमेज भी आ जाती है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, जो बाइडेन की दो अमेरिकियों को, मतलब जो बाइडेन ने दो भारतीय अमेरिकियों को यहाँ पर अगर बात करें सुरक्षा परिषद में शामिल करने का ऐलान किया है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने और राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो ऐसे में आप सभी के सामने नाम आ जाते हैं, उसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। तो ऐसे में सुमोना गुहा, अभिषेक जैन या फिर अगर बात करें तरुण छाबड़ा, सुमोना गुहा या फिर तरुण छाबड़ा, अभिषेक जैन, चार ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आपको बताना है। तो ऐसे में इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। किसको ऐलान किया गया, तरुण छाबड़ा को साथ में सुमोना गुहा को शामिल करने के लिए ऐलान किया गया है। ये दो भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं, इनके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। तो किसके द्वारा ऐलान किया गया, जो बाइडेन के द्वारा। अब ऐसे में आप सभी को पता होना चाहिए राष्ट्रपति कौन है, जो बाइडेन है। अच्छा उपराष्ट्रपति कौन है, माइक पेंस है। कहाँ की हम बात करें, अमेरिका की, है ना। तो इतनी जानकारी तो आप सभी को होगी, है ना। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर जो धर्म का अगर परसेंटेज पूछा लिया जाता है आपसे, तो 70.6 ईसाई हैं, उसके बाद में यहाँ पर यदुही, मुस्लिम भी हैं, बौद्ध भी हैं, हिंदू भी हैं, जो कि आप सभी को पता होगा। हिंदू की अगर बात करें 0.7% के समथिंग आबादी है, है ना। बाकी इतना पूछा नहीं जाएगा डिटेल के अंदर, जो मेन चीज़ है वो आपको राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पता होने चाहिए। इसके अलावा सवाल यहाँ पर देखने के लिए मिलता है वो है तरुण छाबड़ा के बारे में। तरुण की अगर बात करें यहाँ पे उन्होंने अमेरिकी स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, साथ में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से यहाँ पे ग्रेजुएट किया है। साथ में अगर बात करें सुमोना गुहा के बारे में, ये भी यहाँ पे जन्मे थे। तो ऐसे में इनके बारे में अगर हम बात करें, इन्होंने जॉर्जटाउन विश्वविद्यालय से सेंटर फॉर सिक्योरिटी एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी सीनियर फेलो भी हैं। इतनी जानकारी आप सभी को रखनी है, नीचे आप सभी के सामने इमेज भी आ जाती है ना। तो ठीक है, यहाँ पर आप लोग जो बाइडेन को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, हाल ही में अगर बात करें माधव सोलंकी का निधन हुआ है, किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। चार ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो माधव सिंह सोलंकी जी के बारे में किन किन को पता है, बताइए, राजस्थान, गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश। चार ऑप्शन में से इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है गुजरात। गुजरात की अगर हम बात करें, भारत के पूर्व विदेश मंत्री भी रह चुके हैं, ये भी आप सभी को पता होना चाहिए माधव सिंह सोलंकी जी के बारे में, है ना। तो यहाँ पे मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो गुजरात के रह चुके हैं। उन्होंने जून 1991 से भारत, अगर बात करें मार्च में 1992 तक भारत के विदेश मंत्री के रूप में कार्य किया था, सिर्फ एक साल के लिए। साथ ही 1976 से 1990 के बीच में 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो ऐसे में आप सभी को पता होना चाहिए। इनसे ज़्यादा आप सभी को पता है कि नरेंद्र मोदी से पहले सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रहने वाले नेता भी हैं, तो आप सभी से पूछा जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा माधव सिंह सोलंकी, नीचे आप सभी के सामने इमेज भी आ जाती है, यहाँ पर आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा, है ना। तो ऐसे में आप सभी से ये भी पूछा जा सकता है अगर हम बात करें गुजरात के बारे में। तो मैं आप सभी को थोड़ी जानकारी गुजरात के बारे में भी देना चाहूँगा, क्योंकि इससे पहले हमने मुख्यमंत्री, राज्यपाल तो कई बार आपको बता दी है। विधानमंडल की अगर बात करें, विधानसभा सीटों के बारे में, 182 सीटें हैं, राज्यसभा की 11 सीटें हैं, अगर बात करें लोकसभा की तो टोटल 26 सीटें हैं, ये भी आप सभी को पता होना चाहिए, है ना। कई बार पूछे जाते हैं राज्यपाल आचार्य देवदत्त हैं और मुख्यमंत्री कौन है, विजय रूपाणी हैं, भाषा क्या है, गुजराती है, ये भी आप सभी को पता होनी चाहिए, इतनी जानकारी काफ़ी है। अगला क्वेश्चन है, भारत के COVID-19 राहत प्रयासों के लिए 2113 करोड़ रुपए का ऋण देने की घोषणा की है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने है, राइट आंसर आप सभी को बताना है।
तो ऐसे में आप सभी को पता होना चाहिए, ज़्यादातर जो क्वेश्चन आप सभी के सामने पूछे जाते हैं इनमें गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। क्योंकि अगर बात करें ADB की या फिर अगर बात करते हैं विश्व बैंक की, है ना, इनके माध्यम से बार बार जो ऋण समझौते पर सिग्नेचर किए जाते हैं, लेकिन ऐसे में कई बार हो जाता है कि जापान वगैरह से भी ले लिया जाता है, तो याद रखिएगा तुक्का मत लगाना, है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा जापान, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। COVID-19 के राहत प्रयासों के लिए 2113 करोड़ रुपये की बात की गई, डॉलर की बात नहीं है, ये भी आपको याद रखना है ना। तो यहाँ पे उनकी तरफ से लगभग 30 बिलियन डॉलर यहाँ पर माफ़ कीजिए 30 बिलियन जापानी येन, येन आप सभी को पता है मुद्रा है जापान की, जैसे कि यहाँ पर यूपी है, तो ऐसे में आपको याद भी रखनी है ना। नीचे आप सभी के सामने इमेज आ जाती है। तो अगर हम बात करें जापान के बारे में, राजधानी टोक्यो है और मुद्रा क्या है, येन। और अगर बात करें प्रधानमंत्री योशिहाइडे सुगा, आप सभी को याद रखना है, इतनी जानकारी आप सभी के लिए काफ़ी है। तो ऐसे में यह COVID-19 की महामारी के गंभीर प्रभावों के खिलाफ देश में गरीब और कमजोर लोगों को सहायता करने के लिए, सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस समझौते पर सिग्नेचर किए गए हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ जाता है, नीचे आप सभी यह देखेंगे 26वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किया है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है, किसके द्वारा, नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारमण, ममता बनर्जी या इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे में इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, 26वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का किया गया है। अब ममता बनर्जी कौन है आप सभी जानते होंगे, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल कौन है, जगदीश जी हैं, धनखड़ आप सभी को याद रखने हैं, है ना। तो ऐसे में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 26वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किया है। इसको शॉर्ट में ऐसे भी पूछा जा सकता है, KIFF, के से कोलकाता, आई फॉर अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल, अगर हम बात करें एफ से फिल्म महोत्सव, ठीक है, तो महोत्सव को इंग्लिश में फेस्टिवल कहेंगे, इतनी जानकारी आप सभी के लिए काफ़ी है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, लेकिन उससे पहले आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल के ब्रांड अम्बेसडर कौन है। कई बार ये क्वेश्चन रेलवे में पूछे गए हैं, तो शाहरुख खान आप सभी को याद रखना है, उन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया था। बाकी अगर बात करें महोत्सव के अंदर उद्घाटन की फिल्में होंगी, जिसमें 45 देशों के लगभग 131 फिल्में 13 जनवरी को दिखाया जाएगा, तो इतनी जानकारी आप और नोट कर लीजिएगा जो कि एक्स्ट्रा है। नीचे आप सभी के सामने इमेज भी आ जाती है। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने, मोदी इंडिया कॉलिंग 2021, ये एक पुस्तक का नाम है, किसने जारी की है आप सभी को बताना है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आपको बताना है। तो 16वें प्रवासी दिवस पर जारी की गई है, इस पुस्तक के बारे में आप सभी को पता भी होना चाहिए। नीचे आपके सामने इमेज भी आ जाएगी जो कि मोदी इंडिया कॉलिंग के नाम से आप सभी को देखने के लिए मिली है, है ना। लेकिन फिलहाल अगर बात करें इसको जारी किसके द्वारा किया गया है, चार ऑप्शनों में से इसका जो राइट आंसर होगा आदेश गुप्ता, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। 16वें प्रवासी दिवस पर अगर बात करें, भारतीय प्रवासी दिवस पर मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 में भारत नामक एक कॉफ़ी टेबल बुक जारी की गई है। इस पुस्तक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 107 विदेशी और साथ में द्विपक्षीय यात्राओं की द्वारा दौरान खींची गई विभिन्न तस्वीरों को रखा गया है, इसके बारे में आप सभी को याद रखना है। यह पुस्तक भाजपा नेता विजय जौहरी का विचार है, इसे दिल्ली के भाजपा नेता अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने जारी किया है। किताब को मनीष मीडिया प्रकाशित किया है, इसमें 450 पेज हैं जिनमें PM मोदी की हजारों तस्वीरें हैं। जौहरी ने यह भी कहा है कि वो राहुल गांधी साथ ही दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल पर भी इस प्रकार की जो किताब है वो बनाना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, भारत की 7वीं व्यापार नीति समीक्षा समापन हुआ है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। एक जानकारी आप सभी को और देना चाहूँगा, अगर बात करें व्यापार नीति समीक्षा को, हम शॉर्ट में ये भी पूछा जा सकता है कि भारत की 7वीं TRP का समापन हुआ है। तो TRP को इंग्लिश में कहेंगे ट्रेड पॉलिसी रिव्यू। समीक्षा को इंग्लिश में रिव्यू कहते हैं, पॉलिसी नीति और व्यापार आप सभी जानते हैं ट्रेड, तो ऐसे में याद रखना है आप सभी को व्यापार नीति समापन कहाँ पे हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, जो कि वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो बात है वो की गई है, WTO की फुल फॉर्म है, नोट कर ली होगी, आप सभी को पता भी होगा। तो यहाँ पे भारत की 7वीं व्यापार नीति समीक्षा ट्रेड पॉलिसी रिव्यू का दूसरा सत्र विश्व व्यापार संगठन, जिसको इंग्लिश में कहेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट में WTO कहेंगे, में समापन हुआ है। यह 7वीं व्यापार नीति समीक्षा का अंतिम सत्र था। व्यापार नीति की समीक्षा विश्व व्यापार संगठन की निगरानी समारोह के तहत एक महत्वपूर्ण तंत्र है। इस व्यापार नीति की समीक्षा के दौरान WTO ने WTO के नियमों का पालन और साथ में रचनाओं की प्रतिज्ञाओं को प्रदान करने का जो उद्देश्य वो रखा है, तो देशों की व्यापार संबंधी नीतियों का आकलन किया जाएगा, इतनी जानकारी आप सभी को रखनी है। सवाल आप सभी के मन में होगा WTO के बारे में, WTO क्या है, एक ऐसा संगठन है जो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करता है। अगर आपको याद होगा
तो कई बार चाइना के माल का बहिष्कार किया जाता है ना, लेकिन हम लोग बहिष्कार करते हैं, सरकार कभी बहिष्कार नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि वो WTO के समझौते के अंतर्गत आती है ना, तो ऐसे में उनकी तरफ से जुर्माना लगा दिया जाएगा, कुछ नीतियाँ होती हैं, है ना। तो हम लोग बहिष्कार करते हैं लेकिन सरकारें कभी बहिष्कार नहीं करती। तो ये तमाम चीज़ें आप सभी को याद रखनी है। तो इसकी स्थापना कब होगी, कब हुई थी, है ना, 1995 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में। जिनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। वर्तमान में इसके 164 सदस्य हैं, ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। तो इतनी जानकारी आप सभी के लिए काफ़ी है। तो अगर बात करें भारत समग्र घरेलू कारोबार माहौल के सरल और साथ में कारगर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, इसका जो उद्देश्य है विश्व बैंक की डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में 50 शीर्ष पर बनना है, तो ऐसे में आप सभी को याद रखना है। फिलहाल आप सभी से इतनी जानकारी पूछी जाएगी, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आप सभी के सामने है। अगला क्वेश्चन आता है, तटीय अनुसंधान पोत सागर अन्वेषिका का जलावतरण किया है, किसके द्वारा किया गया। चार ऑप्शन आप सभी के सामने है और राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो ऐसे में हम वही क्वेश्चन रखते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर क्वेश्चन 13-14 होंगे तो वो आपको देंगे, 10-8 होंगे तो वो भी आपको दिए जाते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर अवश्य किया करें अगर हो सके तो, है ना। इसका आंसर आप सभी को बताना है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल आंसर हो जाता है हर्षवर्धन के द्वारा। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने चेन्नई बंदरगाह पर तटीय अनुसंधान वाहन, जिसको हम कहेंगे कोस्टल रिसर्च व्हीकल, CRVV कहा जा सकता है, सागर अन्वेषिका का जलावतरण किया है। इस वाहन का उपयोग तटीय अपतटीय जलों दोनों पर्यावरण अनुक्रमण को साथ में बायोमेट्रिक के लिए किया जाएगा। इसका उपयोग जो होगा NIOT, जिसको राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान के अनुसंधान उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। इसका निर्माण टीटागढ़ वैगन्स कोलकाता पश्चिम बंगाल के द्वारा किया गया है। NIOT की पहले 6 रिसर्च बैल्स हैं, सागर कैनिया, सागर संपदा, सागर निधि, सागर मानुष और साथ में सागर तारा। एक बार वीडियो को दोबारा से रिपीट करके सुन लीजिएगा, जिससे कि आपको कंफर्म हो जाएगा। सवाल आप सभी के मन में होगा, राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान के निदेशक कौन है, डॉक्टर GA रामदास हैं। आप सभी के मन में सवाल होगा, राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान मुख्यालय कहाँ है, चेन्नई के अंदर है, तमिलनाडु में। नीचे आप सभी के सामने इमेज भी आ जाती है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, सागर अन्वेषिका आप सभी के सामने है। तो ऐसे में ये तो हो जाते टोटल क्वेश्चन जो कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन आता है, जो कि हाल ही में टेक ऑफ के बाद में समुद्र में गिरा इंडोनेशियाई यात्री विमान का नाम क्या है। चार ऑप्शनों में से आपको राइट आंसर बताना है। बहुत ही दुखद घटना है जो कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल आंसर हो जाता है श्री विजय यात्री विमान था। इंडोनेशियाई जकार्ता से 62 लोगों को लेकर जा रहा था यात्री विमान श्री विजय, एयर उड़ान भरने के कुछ समय बाद समुद्र में क्रैश। इंडोनेशिया के बोर्निया द्वीप पर पश्चिम कालीमंतन प्रांत की राजधानी जकार्ता से पोंटियानक तक 90 मिनट की उड़ान भरी। उसके बाद में नीचे आप सभी को इमेज भी देखने के लिए मिल जाएगी। तो ऐसे में आप सभी को यहाँ पूछा जा सकता है कि अगर बात करें इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, जकार्ता है, है ना, इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है, इंडोनेशिया रुपया है, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है, जोको। आप सभी को याद रखना है जोको विडोडो, ठीक है। तो इतनी जानकारी आप सभी के लिए काफ़ी है। हमने लास्ट वीडियो का क्वेश्चन आप सभी से पूछा था, कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर का गठन किसने किया है। चार ऑप्शन में से इसका जो राइट आंसर था RBI, इसका बिल्कुल राइट आंसर था। तो क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ चलते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबा लें। सेना के जवानों के लिए किस बैंक ने लॉन्च किया है सौर्य सैलरी अकाउंट। चार ऑप्शनों में से राइट आंसर आप सभी को बताना है। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही, थैंक यू। अगर आप SBI मेंस एंड क्लर्क एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है बढ़िया मॉक टेस्ट SBI मेंस और क्लर्क एग्जाम की तैयारी के लिए। आज सुबह 10 बजे से PYQ टेस्ट शुरू होता है। इसे अनलॉक करने के लिए यूज करिए मेरा अनलॉक कोड ऑनलाइन अड्डा। इसमें आपको मिलेंगे डेडिकेट डाउट सेशन भी, साथ ही निमिषा बंसल, अंकुश लांबा और भी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स, साथ ही T20 टेस्ट सीरीज में परफेक्शन सीरीज इंग्लिश के लिए और साथ ही रीजनिंग टेस्ट सीरीज के लिए अभी एनरोल कर लीजिए, जो स्टार्ट हो रहा है 16 जनवरी से। ज्यादा जानकारी के लिए लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, तो जल्दी से लिंक पर क्लिक करें और एनरोल करें। याद रखें ये टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री है और साथ में डाउट सेशन भी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से। तो मिस मत करिए, अभी एनरोल करिए, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।